हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड सब्जेक्ट साइंस एनसीईआरटी फॉर सेवंथ स्टैंडर्ड. सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट इंग्लिश स्कूल स्टूडेंट्स. तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास सेवंथ साइंस का चैप्टर सेवन. ओके, सो व्हाट इज चैप्टर सेवन? चैप्टर सेवन इज दैट वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट. वेदर क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है, अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का अडेप्टेशंस कैसे होता है पर्टिकुलर एरियाज में टू द क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट. तो सारी कंडीशंस, सारे व्यूज और जो हमारा ये सारे टॉपिक्स हैं उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नाउ. यस, सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट लिस्ट ऑफ टॉपिक व्हेन वी रीड इन दिस चैप्टर. वो टॉपिक्स हम देखेंगे सबसे पहले जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर्स एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या होते हैं वेदर और क्लाइमेट. सेकंड इज दैट क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, क्लाइमेट और एनिमल्स का अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, पोलर एरियाज और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ये सारे टॉपिक्स हम चैप्टर सेवन में कवर करने वाले हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी सी दैट वेदर, व्हाट इज द वेदर. यस, सबसे पहले वेदर के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. हम देखते हैं कि हमारे आसपास, हमारे इन्वायरमेंटल, हमारे सराउंडिंग्स में डे टू डे, आवर टू आवर्स, मिनट्स टू मिनट और सेकंड टू सेकंड्स जो हमारा वेदर है, जो हमारा मौसम है, वो चेंज होता रहता है. कभी बहुत सनी होता है, कभी क्लाउडी, कभी रेनी, कभी फॉगी, कभी मिस्ट होता है बहुत अधिक. तो वो वेदर कैसे चेंज होता है डे टू डे, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, वो सारा का सारा जो पर्टिकुलर सिस्टम्स है वो हम कवर करेंगे. ओके, सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज वेदर. ये वेदर है क्या? द डे टू डे कंडीशंस, दिन प्रतिदिन की जो कंडीशंस है होती है ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस, एटमॉस्फेयर के अंदर, वातावरण के अंदर, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ह्यूमिडिटी. व्हाट इज ह्यूमिडिटी? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी. रेनफॉल, विंड स्पीड इट्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट द प्लेस. किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, उसकी रेनफॉल, उसकी विंड स्पीड, हवा कितनी स्पीड से है, उस पर्टिकुलर एरियाज के क्या कहलाते हैं, कॉल द वेदर एट द प्लेस. तो हम वेदर के बारे में कह सकते हैं कि जिस एरियाज में हम रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी है, वहाँ की रेनफॉल कैसी है, विंड स्पीड कैसी है, इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वेदर. ओके, वेदर ऑफ द प्लेस नेवर कॉन्स्टेंट. यस, वेदर किसी भी प्लेस पर कॉन्स्टेंट नहीं रह सकता. कॉन्स्टेंट मीन्स स्थिर, एक जैसा नहीं रह सकता है, वो डे टू डे चेंज होता रहता है. इट चेंज अवर आफ्टर अवर, घंटे 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 के बाद चेंज होता है, आफ्टर डे टू डे, डे के दिन दिन प्रतिदिन चेंज होता है, एंड वीक आफ्टर वीक, और एक वीक के बाद भी मौसम धीरे धीरे चेंज होता है. देखिए एलिमेंट्स ऑफ वेदर, वेदर के क्या एलिमेंट है, क्या फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर जो हमने अभी पढ़ा है, ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर. कभी देखते हो ना तुम, गर्मियों के जो सनी डेज होते हैं उनके अंदर हमें बहुत चिपचिपाहट महसूस होती है कभी कभी, वो किसके कारण होता है, ह्यूमिडिटी के कारण. ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है जिसके कारण हमें चिपचिपाहट महसूस होती है. रेनफॉल और जी विंड स्पीड, वहाँ की विंड स्पीड और रेनफॉल, ये मेन फैक्टर्स हैं हमारे, किसके, वेदर के मेन फैक्टर्स हैं. ओके, नेक्स्ट इज दैट. ओके, तो वेदर के फैक्टर्स हमने क्या पढ़ लिए, वेदर के फैक्टर्स आर हॉट, बहुत हॉट डे का होना, कोल्ड, ये भी है, रेनी, रेनी सीजन होना, क्लाउडी, बहुत बादल छाए रहना, विंडली, ह्यूमिड, और इसके अलावा फॉगी हो सकता है, मिस्ट हो सकता है, कभी कभी विजिबिलिटी बहुत कम होती है. तो वो सारे दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ वेदर. ये सारे फैक्टर्स वेदर को अफेक्ट करते हैं, इनके कारण ही वेदर में चेंज होता है. यस, ओके, नेक्स्ट. वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, दैट इज नॉट अ सिंपल, इट इज अ कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही थोड़ा जटिल, हार्ड. इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन
वरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, सॉरी दैट इज द स्पेलिंग इज मिस्टेक, वी ई आर वाई वेरी होगा. वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इज कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम. ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में चेंज होता रहता है. मॉर्निंग में सन्नी था, आफ्टरनून सडनली रेन होने लगी, एंड देन हैवी रेन स्टॉप्स आफ्टर 10 मिनट्स, और हैवी रेन रुक गई और आफ्टर 10 मिनट्स फिर से ब्राइट सनशाइन, फिर से सूरज निकल गया. ये कब देखते हैं हम, जब रनी डेज होते हैं ना तब देखते हैं कि मॉर्निंग में तो सन, मतलब हमारा क्या हुआ, सनी हो, सूरज निकला, आफ्टर 10 मिनट्स सडनली बारिश आ गई, और हैवी बारिश होने के बाद आफ्टर हैवी रेनफॉल फिर से क्या होगा, देयर इज अ ब्राइट सनशाइन, फिर से सूरज की धूप निकल गई. तो ये क्या होता है, सडनली चेंज इन वेदर. ओके नेक्स्ट, अब हम अगर हम देखते हैं वेदर सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, ये तो हमने पढ़ लिया है ना, सनी हो गया, ब्राइट हो गया, ये हो गया, फिर होता क्या है, मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज, जो हमारी डेली एक्टिविटीज होती हैं आर प्लान्ड बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिक्शंस फॉर द डे. हमारी जो डेली टू डेली एक्टिविटीज होती है, हम क्या सोचते हैं कि हमें कल शाम को पार्क घूमने जाना है, और अगर मौसम सही रहा तो हम खेलने जाएंगे, यानी हम अपने प्रेडिक्शंस करते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर, वेदर के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन करते हैं. क्या एक्टिविटीज मतलब क्लाइमेट, जो हमारे आसपास का, जो हमारे आसपास का वेदर है, मौसम है, उसको देख के ही हम अपनी डेली टू डेली की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको फॉलो करते हैं. जैसे स्पोर्ट्स हो गया, तुम्हारे फैमिली फंक्शंस हो गए. देखिए घर में अगर मैरिज वगैरह शादी पार्टी का होता है तो हम लोग देखते हैं कि वेदर अच्छा है, कहाँ पे हमें अरेंजमेंट कराना है, कहाँ पे टेंट्स लगवाने हैं, बारिश ना आ जाए सडनली सारा फंक्शन फ्लॉप हो जाएगा. तो सारी एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हैं, किसके अकॉर्डिंग, हम वेदर के अकॉर्डिंग. ठीक है, अगर हम बाहर जा रहे हैं, रेनी सीजन है, तो टेकिंग अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लेके जाएंगे. ओके, और जो हमारे रेनी कोट्स वगैरह होते हैं वो पहन के जाते हैं. तो प्रिडिक्शन लगाते हैं कि बारिश ना हो जाए, सारी एक्टिविटीज हम करते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर. ओके नेक्स्ट, वेदर रिपोर्ट्स. वेदर रिपोर्ट्स कहाँ से आती है, वेदर की रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल हम ही हैं, ये पूरी जो हमारे पूरा वर्ल्ड है वो अकॉर्डिंग टू वेदर, वेदर के अकॉर्डिंग वर्क करता है. और जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो क्या पहले से ही वेदर्स की रिपोर्ट तैयार, एस्ट्रोनॉट पहले से ही वेदर की रिपोर्ट्स तैयार करके रखते हैं. देखिए, हुरली डेली वीकली आवरली, यानी घंटे भर घंटे, डेली वीकली मंथली रिपोर्ट्स अबाउट वेदर, वेदर की दिन प्रतिदिन, पल टू पल, एक एक पल की, सेकंड्स की, मिनट्स की, आवर्स की, वेदर की रिपोर्ट बनाई जाती है, ताकि आम आदमी को, हम ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, किसी को भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो, पहले से हम क्या हो जाएं, अलर्ट हो जाएं. वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. कौन बनाता है इसको, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. और इसको वेदर की रिपोर्ट, ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो हमारे वेदर्स की रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं. द डिपार्टमेंट कलेक्ट द डेटा ऑन द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर का डेटा कलेक्ट करते हैं, रेनफॉल का, विंड का, मेक्स द वेदर प्रिडिक्शन, और वेदर की प्रिडिक्शन लगाते हैं. जैसे आप टीवी पे न्यूज़ देखते हो स्टूडेंट्स, कि आज शाम को भारी बारिश होने वाली है, कोस्टल एरियाज जितने हैं केरला उड़ीसा उनके अंदर सुनामी आने वाली है, तो वो क्या प्रिडिक्शंस लगाते हैं एस्ट्रोनॉलॉजिकल पहले से ही, कि ऐसा होने वाला है, ताकि वी हैव टू अलर्ट, हम अलर्ट हो जाएं. वेदर की रिपोर्ट किस पर डिपेंड्स होती है, टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा, ह्यूमिडिटी कितनी होगी आज एयर के अंदर, विंड स्पीड क्या होगी, रेनफॉल क्या होगा, टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट, यहाँ तक कभी वो प्रिडिक्शंस देते हैं कि सूरज के निकलने और अस्त होने का टाइम्स क्या होगा, दैट इज डिपेंड्स ऑन वेदर रिपोर्ट्स. नेक्स्ट, जो हमारी वेदर रिपोर्ट्स थी वो डेली टू डेली की होती है, ये तो हम पढ़ चुके हैं. देखिए वेदर रिपोर्ट वो कैसे प्रिपेयर करके देते हैं, जैसे ये न्यू दिल्ली की है, फॉग कितना है, टेम्परेचर कितना है, 26 डिग्री, ये जो सिंबल है छोटा सा जीरो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द साइन ऑफ डिग्री. जैसे ये दिल्ली की रिपोर्ट है एक, तो यहाँ पे क्या है, दिल्ली का जो न्यू दिल्ली का जो टेम्परेचर वो कितना दिखा रहा है, 26 डिग्री. और हम देखते हैं नाउ अभी का क्या है, 7 AM का टेम्परेचर कितना होगा, 8 AM का कितना होगा, 9 AM का कितना होगा. तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे डे हमारा कुछ आवर्स स्पेंड हो रहा है, वैसे वैसे टेम्परेचर भी यहाँ पर इंक्रीज दिखाई दे रहा है आपको. 10 AM का
10 AM का 28 डिग्री हो गया, जबकि 11 AM का भी 28 डिग्री है। इस तरह से संडे का मौसम क्या होगा, मंडे क्या होगा, ट्यूसडे क्या होगा, इस तरह से पूरी एक रिपोर्ट तैयार है, ये आप इसमें देख सकते हो। यहाँ देख सकते हो तुम 12 o'clock, उसके 12 PM क्या होगा, फिर 1 PM का यानी 1 o'clock का क्या होगा, 4 PM और 5 PM पर हमारा टेम्परेचर कितना हो गया, 29। देखिए स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था वो 26 था सुबह का 7 AM का, 7 बजे का, और शाम के 5 बजे का जो टेम्परेचर वो कितना होगा, 29 डिग्री हो गया, यानी इंक्रीज हुआ टेम्परेचर हमारा। तो धीरे धीरे क्या है, मॉर्निंग में टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, धीरे धीरे जैसे सन की रेज फॉलिंग होती है अर्थ के ऊपर, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और ये पूरा दिखाई दिया यहाँ पे कहाँ क्लाउडी है, कहाँ सन्नी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम अपने करंटली जो टेम्परेचर है वो देख सकते हैं। और अब ऐसा नहीं है कि हम टीवी पर ही ये न्यूज़ देख सकते हैं, ये मोबाइल के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिसके द्वारा हम अपना डे टू डे, आवर टू आवर, पूरा का पूरा वेदर रिपोर्ट अपने मोबाइल ऐप में भी देख सकते हैं। ओके देखिए, अब आया, चलो एस्ट्रोनॉमिकल जो हमारे होते हैं वो वेदर की रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, बट वो कैसे करते हैं, उनको कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, कैसे मेज़र करते हैं टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को कैसे मेज़र करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही तो वो एक पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं और रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट जिनके अंदर ये पर्टिकुलर जो हमारी क्वांटिटीज हैं उनको मेजरमेंट किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, कैसे, मैक्सिमम एंड द मिनिमम थर्मोमीटर, ये एक टेम्परेचर का थर्मोमीटर है जिसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे आफ्टरनून और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अर्ली मॉर्निंग। यस, मैंने अभी बताया था अर्ली मॉर्निंग का टाइम जब हम रिकॉर्ड करते हैं टेम्परेचर तो वो मिनिमम आता है, जबकि आफ्टरनून दोपहर के बाद का जो टेम्परेचर वो बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता है, तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर आता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज दैट रेनफॉल। देखिए रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रेन गेज। ये रेन गेज एक टेम्परेचर है जिसके द्वारा हम रेनफॉल को कहते हैं, कितने मिनिमम की एमएम, कितने मिलीमीटर की जो रेन है वो कोलकाता में हुई, दिल्ली में इतने मिमी, अहमदाबाद में इतने एमएम की रेनफॉल हुई। तो वो जो एस्ट्रोनॉमिकल डिपार्टमेंट होता है, एस्ट्रोलॉजिकल हमारे होते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स, वो क्या करते हैं, वो इस इंस्ट्रूमेंट रेन गेज के द्वारा हमारे रेन का जो साइज होता है उसको, रेन ड्रॉप्स का, उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट इज दैट ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर मेजर्ड बाय द साइक्रोमीटर। देखिए इसको PSY लिखा है, फी साइक्रोमीटर नहीं पढ़ते, पी इज द साइलेंट लेटर, इसको हम पढ़ते हैं साइक्रोमीटर। तो ह्यूमिडिटी किसके अंदर मानी जाती है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है साइक्रोमीटर के अंदर ह्यूमिडिटी को मापते हैं। ह्यूमिडिटी क्या होती है, मैंने अभी बताया है आपको, एयर के अंदर प्रेजेंट जो मॉइस्चर होता है, जो वाटर वेपर होती है एयर के अंदर, जिसके अंदर चिपचिपा महसूस होता है, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। तो उस ह्यूमिडिटी को मापते हैं हम साइक्रोमीटर में। नेक्स्ट इज दैट विंड स्पीड, विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय द एमिनोमीटर। ये एमिनोमीटर एक इक्विपमेंट है, उस इक्विपमेंट के द्वारा हम ये मापते हैं। तो हम इनको इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं और इक्विपमेंट्स भी बोल सकते हैं। एक नंबर में एक क्वेश्चन आता है तो आपको यू हैव टू लर्न इट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट्स, लेकिन क्लाइमेट्स पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने पढ़ा है वेदर के बारे में, तो आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए कि वेदर क्या है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्लाइमेट और क्या डिफरेंस होता है वेदर और क्लाइमेट्स में। ओके स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक आप वॉच कीजिए इस वीडियो को।